7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। आदरणीय हमारे सरपंच साहब जी बैठे जयप्रकाश जी, भैया 20-30 हजार लोग नहीं, 7 लाख लोग। 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। ललकारता उन लोगों को, कैसे भाग गए कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग। उन पंडितों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, तो पाक का झंडा ना होता पाकिस्तान का, कि पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। मित्रों, ये समस्या क्यों हो गई? क्योंकि हमने इतिहासों में बहुत बड़ी भूल कर दी।